Good morning, students. Today we are going to fill the chapter number 18, that is the human body. Human body एक बहुत ही wonderful machine है. Machine में बहुत सारे parts होते हैं, जैसे कि आप computer पढ़ते हो तो computer में भी क्या है, बहुत सारे parts हैं. जैसे कि आपका monitor, keyboard, CPU, ये सारे क्या हैं, parts हैं. इसके बिना ये सारे जो parts assembled होते हैं computer के साथ में, ये अगर ये सब नहीं रहेंगे तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा. उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन मशीन है, उनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी ह्यूमन बॉडी परफॉर्म करता है अच्छे तरीके से. जो भी इंस्ट्रक्शंस आप एक ह्यूमन मशीन को मिलता है वो उसे अच्छे तरीके से निभाता है. जिस तरीके से अगर पावर सप्लाई कंप्यूटर में नहीं दिया जाए, अगर सीपीयू नहीं होगा उसमें लगा हुआ, असेंबल किया हुआ, तो आपका प्रोसेसिंग का वर्क नहीं हो पाएगा. अगर कीबोर्ड नहीं होगा देन यू कांट डू एनी टाइपिंग वर्क. इन द सेम वे अगर बॉडी, जो मशीन है हमारा इतना वंडरफुल मशीन, अगर इसमें किसी भी पार्ट्स में डैमेज होता है देन होल बॉडी सफर्स. तो हम लोग इस चैप्टर में आज जानेंगे कि ये जो वंडरफुल मशीन है हमारा ह्यूमन बॉडी, इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं. जिस तरीके से कंप्यूटर कभी भी लॉन्ग टाइम या फिर आवर्स के लिए वर्क करता है तो वो कभी टायर्ड नहीं होता है, उसी तरीके से जो हमारा वंडरफुल मशीन है दैट इज द ह्यूमन बॉडी, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी डू नॉट टेक रेस्ट. सो लेट अस सी दैट इन दिस चैप्टर. In this, answer the following questions. First one, the smallest bone, which is 2.6 to 3.5 mm in length. सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे छोटा जो हमारा बोन होता है वो ईयर में ही होता है. So can you guess the smallest bone, which is 2.6 and 3.5 mm in length? So the answer is stirrup bone. So you will fill it here. STIRRUP, stirrup bone, जो कहां पाया जाता है, ear में. Second one, the smallest muscle which is 0.05 inches long. ये हमारा सबसे smallest skeletal muscles होता है. So can you guess the answer, which is the smallest skeletal muscles? Stapedius muscles it is. So you will fill it here. Stapedius, STAPEDIUS, stapedius muscles. ये कौन सा muscles है? Stapedius muscles, MUSCLES muscles. Third number, the largest artery, which is 3 centimeter in diameter. And it is the main artery that carries blood away from your heart to the rest of your heart to the rest of your body. Yani ye main artery hai. So that artery name is aorta. So you will write it down here. A-O-R-T-A. Aorta. Fourth number. The longest cell in the human body. Sabse longest cell hamara kaun sa hota hai hamare body mein. And this are also known as, it is a particular type of cell and it carries information, messages, yeah, signals to and from the brain and rest of the body. So can you guess this answer? The answer is neurons. N-E-U-R-O-N-S. Neurons. ये क्या करते हैं? एक particular type का cell है जो carry करता है information या फिर messages या फिर signals हमारे ब्रेन से एंड फ्रॉम देयर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. फिफ्थ वन, द लॉन्गेस्ट मेमोरी सेल विच फाइट्स इन्फेक्शन एंड इज अ व्हाइट ब्लड सेल. लॉन्गेस्ट मेमोरी सेल है, ऊपर से ये क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है एंड दिस इज WBC. सो व्हाट इज दैट? एंड द आंसर ऑफ दिस इंक्लूड्स नेचुरल किलर सेल्स, दैट इज टी सेल्स एंड बी सेल्स. सो व्हाट इज दैट? Lymphocytes. So you will fill it here. LYMPHOCYTES. Lymphocytes. Sixth number. What is the total number of bones in our body?
हमारे बॉडी में कितने बोन्स हैं? यू ऑल आर नोइंग दिस, दैट इज 206, दैट इज 206 बोन्स. सेवेंथ वन, द लॉन्गेस्ट बोन इज द थाई बोन कॉल्ड. जो लॉन्गेस्ट बोन है, जो थाई बोन है, उसे हम क्या कहते हैं? एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज द साइट ऑफ ओरिजिन एंड अटैचमेंट ऑफ मेनी मसल्स ऑल्सो. सो वॉट इज दैट? फेमर, एफ ई एम यू आर, फेमर. एट्थ नंबर, विच ऑर्गन इन द बॉडी गेट्स द मोस्ट ब्लड. ऐसा कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो सबसे ज्यादा ब्लड को क्या करता है, लेता है? एंड इट इज ऑल्सो इट्स मेन जॉब इज टू फिल्टर द ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक बिफोर पासिंग इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. कैन यू सी, कैन यू टेल मी कौन फिल्टर करता है ब्लड को? दैट इज, यस, इट इज लिवर एंड किडनी ऑल्सो. एल आई वी ई आर, लिवर. नाइन्थ नंबर, द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इज द. सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन सा है? और ये पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का. सो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल एस एम ए डबल एल, स्मॉल एन टी ई एस इंटेस्टाइन, टी आई एन ए, स्मॉल इंटेस्टाइन. टेंथ नंबर, ए कैटरेक्ट अफेक्ट्स दी. ये किसको अफेक्ट करता है हमारे? कैन यू गेस द आंसर? इट अफेक्ट्स टू द आईज, दैट इज विजुअल सिस्टम. सो यू विल राइट इट ऑन हियर, आईज, ई वाई ई एस. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फिल द चैप्टर नंबर 20, दैट इज ग्रेट साइंटिस्ट. जो साइंटिस्ट है वो बहुत सारी चीजों को उन्होंने इन्वेंट किया है, डेवलप किया है. ये साइंटिस्ट ही हैं जो बहुत सारी चीजों को बताते, स्मॉल से स्मॉल चीजें जो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते उन्हें इन्वेंट करते हैं. सो साइंटिफिक इन्वेंशन हैज मेड आवर लाइफ्स कंफर्टेबल, जिसकी वजह से हमारे लाइफस्टाइल क्या होता जा रहा है, कंफर्ट जोन में. सम ग्रेट साइंटिस्ट डेडिकेटेड देयर लाइव्स इन द परस्यूट ऑफ न्यू इन्वेंशंस. बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस हुए, जैसे कि बल्ब, उसमें जो फिलामेंट लगते हैं, वो सारा सारी चीजें जो इन्वेंट हुए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इजंट इट? बहुत सारे टेक्निक्स थे पहले जिन्हें और भी इजी वे में किया गया, जैसे विंडमिल यूज हुआ होता था पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. नाउ मेनी अदर सोर्सेस आर ऑल्सो यूज, लाइक वाटर ऑल्सो. सो ये सारे इन्वेंशंस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस जो इन साइंटिस्ट ने किए हैं. So in this chapter, what you have to do is you have to write the names of the scientists with the help of their pictures and their achievements mentioned. इन्होंने जो achievements इन्हें मिला हुआ है, जो इन्होंने achieve किया है, उस scientist का नाम आपको क्या करना है, उनके description से आपको बताना कि वो scientist कौन है. So in this, the first one, he was an Italian scientist, mathematician and physicist, engineer and astronomer. He is also known as father of modern physics. हम modern जो father, जैसे जिस तरीके से हम लोग computer, father of modern computer हम किसे कहते हैं? Father of computer, that is Charles Babbage. In the same way, father of modern physics, to whom we call. So, what is the answer? It is Galileo Galilei. Galileo Galilei. So you will write it here. G A L I L E O, Galileo Galilei. G A L I L E I. Second number, he was a genius who invented the electric bulb in 1879. As I told you, electric bulb को भी क्या किया गया है? Invent किया गया है. And many other like phonograph, मेगाफोन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, इटीसी. ही इज, अब इस जीनियस पर्सन का आपको क्या करना है, नाम बताना है. सो दैट जीनियस पर्सन नेम इज थॉमस एल्वा एडिशन. सो यू विल फिल इट हियर, थॉमस, टी एच ओ एम ओ एस, थॉमस एल्वा, ए एल वी ए एल्वा, एडिशन, ई डी आई एस ओ एन, एडिशन, एडिशन ए डबल डी आई टी आई, एडिशन वो प्लस वाला नहीं, हियर द नेम इज ई डी आई एस ओ एन, एडिशन. थर्ड नंबर इट इज, ही वॉज ए स्वीडिश इंजीनियर एंड केमिस्ट, इन्वेंटेड द डायनामाइट इन 1867. ही इज,
ये क्या है, स्वीडिश इंजीनियर है एंड ही इज ऑल्सो अ केमिस्ट एंड ही इन्वेंटेड द डायनामाइट. सो द पर्सन नेम इज अल्फ्रेड नोबल. सो यू विल फिल इट हियर, ALFRED, अल्फ्रेड नोबल, NOBEL, अल्फ्रेड नोबल. फोर्थ नंबर, he was a German scientist who made one of the most useful discoveries, the X-ray in 1895. एक जर्मन साइंटिस्ट है जो बहुत ही यूजफुल डिस्कवरीज किया, दैट इज द एक्सरे, एंड दैट ऑल्सो इन द ईयर 1895. दैट पर्सन नेम इज विलियम कोनार्ड वार रोसेंटिंच. सो यू विल फिल इट हियर, विलियम, WILLIAM, विलियम कोनार्ड, KONARD, कोनार्ड, VAR, रोजेंटिन, ROEN, रोजेन. सो दैट पर्सन नेम इज विलियम कोनार्ड वार रोजेंटिंच. फिफ्थ वन, द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेंचुरी, ही गेव द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी. That person name is, can you guess that person name? Albert Einstein. Very famous person he is. And he is known as the brain of the century. And he gave the theory of relativity. That person name is Albert Einstein. So you will write down here ALBERT, Albert Einstein. EINSTEIN, Albert Einstein. Sixth number, he was an English scientist who is known for his work on the theory of gravitation. Gravitation, जैसे कि पुल होता है ना, ऊपर से जो आपका, मान लीजिए किसी पेड़ से कुछ भी गिरता है, फल गिरता है, तो वो यानी फ्रूट, तो वो कहाँ आता है, नीचे की ओर, यानी ग्रेविटेशनल पुल नीचे की ओर होता है, तो वो क्या करता है, नीचे की ओर ही गिरता है, ऊपर उड़ के नहीं जाता है. सो ही गेव, दिस इंग्लिश साइंटिस्ट गेव द थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन. So that person name is, he is also very famous for this. He gave that gravitational, ये gravitation force क्या होता है, जिसकी वजह से जो, and he gave the theory of that apple only, gave the example of apple only, that apple falling from the tree ground, on the ground, not upward. यानी जो apple था नीचे धरती पे ही गिरा, ना कि वो ऊपर की ओर गिरा. So why it's happened, so he gave that theory. So that person name is Sir Isaac Newton. So you will write it down here, Sir, S-I-R, Sir Isaac, I-S-S-A-C, Newton, N-E-W-T-O-N, Newton. Seventh number, she was a police scientist who along with her husband discovered the radium in 1898. इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में क्या डिस्कवर किया था, रेडियम, एंड दैट ऑल्सो इन द ईयर 1898. दैट नेम इज, दैट लेडी इज मैरी क्यूरी. सो यू विल फिल इट हियर, MARIE, मैरी क्यूरी, CURIE, मैरी क्यूरी. एट्थ वन, ही वॉज एन इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट who discovered the penicillin in 1928. ये क्या है, English bacteriologist है, जो जिन्होंने क्या discovered किया है, penicillin, in the year 1928. And that person name is Sir Alexander Fleming. So you will fill it here, S-I-R, Sir Alexander, A-L-E-X-A-N-D-E-R, Alexander Fleming, F-L-E-M-I-N-G, Fleming. So he was an English bacteriologist who discovered the penicillin in 1928. Now we are going to fill the chapter number 21, that is common diseases. When we suffer from any disease, some of our body parts stop functioning properly. जैसे कि आप सभी लोगों ने अभी देखा है, जो कोविड था वो एक टाइप का डिसीज ही हुआ, जो एक आप वायरल कह सकते हो, वायरल जैसे हर किसी को सर्दी खांसी होती थी, लेकिन वो एक ऐसा वायरस था जो पूरे इम्यून सिस्टम को ही वीक कर दे रहा था, इसेंट इट.
तो ये सारे डिसीज यानी हमारे उसमें क्या हो रहा है कि कुछ जैसे लंग्स हमारा फंक्शन करना बंद कर दे रहा है, यानी फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहा है, इजंट इट, इन कोविड ऑल्सो. इन द सेम वे जब भी हम लोग किसी डिसीज से सफर करते हैं तो कुछ पार्ट्स जो बॉडी के होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं. लेट अस सी व्हाट ऑल दैट डिसीजेस आर. यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिए गए इस चैप्टर में, आपको बताना है कि वो डिसीज का नेम क्या है. सो हियर द फर्स्ट वन, ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नोन एज, जो ब्लड कैंसर होता है उसे और हम क्या कहते हैं. ये एक ऐसा कैंसर है जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज लेंडरिंग द ब्लड बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन. अब ये बोन मैरो पे इफेक्ट करता है. अब बोन मैरो क्या होता है, ये एक स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है जो हमारे बोन के सेंटर में पाया जाता है और इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. अब ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये एक तरीके का ट्यूब होता है थ्रू विच ब्लड सर्कुलेट्स इन दी बॉडी. सो विच डिजीज ब्लड कैंसर को हम लोग और क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया. सो यू विल फिल इट हियर, एल ई यू के ए ई एम आई ए, ल्यूकेमिया. सेकेंड वन, व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ ए मैड डॉग. This all you all are familiar with this. एक ये क्या होता है, डेडली वायरस होता है. डेडली वायरस ये स्प्रेड करते हैं saliva of an infected animals. So what that disease name is, rabies. R A B I E S, rabies. Third number, name the disease if eyes of the patient turn yellow. येलो पूरी बॉडी क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है. यू माइट ऑल्सो हर्ड फ्रॉम योर एनी पर्सन दैट पूरी बॉडी येलो हो गई है. एंड इट मे ऑकर इफ द लिवर कांट एफिशिएंटली प्रोसेस रेड ब्लड सेल्स एज दे ब्रेक डाउन. सो दैट डिसीज नेम इज जॉन्डिस, जे ए यू एन डी आई सी ई, जॉन्डिस. फोर्थ नंबर, name the disease caused by the lack of vitamin D and it makes the bones soft. ये एक ऐसा disease है जो vitamin D की कमी से होता है and it also results in reduced absorption of calcium and phosphorus. So that disease name is rickets, R I C K E T S, rickets. Fifth number, what is the disease if bright red rash or small spots cover the whole body? एक ऐसा disease है जो spread करता है through the air by respiratory droplets produced from coughing or sneezing. So that disease name is measles, M E A S L E S, measles. Sixth number, name the disease if there is painful swelling around the throat. अगर बहुत ही पेनफुल स्वेलिंग हो रहा है थ्रोट के अगल बगल, दैट एंड इट इज अ वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स द सेलिवरी ग्लैंड्स दैट इज इजिली प्रिवेंटेड एबल बाय ए वैक्सीन. एंड ये स्प्रेड कैसे करता है, थ्रू द इन्फेक्टेड सलाइवा. सो दैट डिसीज नेम इज मम्स, एम यू एम पी एस, वंस अगेन एम यू एम पी एस, मम्स. सेवेंथ वन, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय द रैट्स. रैट्स से कौन सा डिसीज स्प्रेड करता है, दैट इज प्लग, पी एल ए जी यू ई, प्लग. नेक्स्ट, एट्थ नंबर, नेम द डिसीज ऑफ द गर्म्स दैट कॉसेस देम टू श्रिंक विद लूजनिंग ऑफ द टीथ. बहुत लूजन हो जाता है टीथ, दैट डिसीज नेम इज फाइरेरिया, पी Y O double R H O E A, Fyreria. Ninth number, which infectious disease causes frequent vomiting and continual empty of the bowels? So that is a bacterial disease causing a severe hydration and usually spread in water. So that disease name is cholera, C H O L E R A, cholera. Tenth number, which infectious disease shows the symptoms of fever, cough and constant sneezing? And this is also a viral infection that can be deadly, especially in
high risk groups. So that disease name is influenza. So we'll write it down here, INFLUENZA. You will learn this chapter also and you will fill it in your book. Now we are going to move on to the chapter number 33. That is world's famous buildings. Bahut sari buildings hai. Now we are going to see what are the world's famous buildings. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिए गए हैं और क्लूज भी दिया गया है. आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है. आपको बताना है कि वो फेमस बिल्डिंग कौन सा है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. द कैथरीन द ग्रेट हैड दिस पैलेस बिल्ड बाय ब्रिटोनिया रेस्ट्रेलिया ए फेम्ड आर्किटेक्ट. इट वॉज ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ द रशियन टेस्टास फ्रॉम 1732 to 1917. So what is that palace name? Saint Petersburg Winter Palace. So you will fill it here, Saint St Peter, P E T E R, Peters S B U R G, Petersburg Winter, W I N T E R, Winter Palace, P A L A C E, Winter Palace. Second one, it is world's first university museum located in Oxford. ये first university museum है जो कहाँ पे है? Oxford में. So what is that name? Museum name? Ashmolean Museum. So A S H M O L E A N, Ashmolean Museum. M U S E U M, Museum. Third number, it is located in London. Initially, this building was built in 1702 to 05 for the Dukes of Buckingham. It was the last remolded as a palace in 1913. जो पहले बना हुआ था उसको फिर से जो पहले बना था 1702 to 05 इसको remold किया गया 1913 में. So what is that place name? That place name is Buckingham Palace. So you will write it down here, B U C K I N G H A M, Buckingham Palace. What is that palace? P A L A C E, Buckingham Palace. Fourth one, what it is saying? These were the tallest office buildings before being surpassed by Taipei 101. These are situated in Kolmarpur, Malaysia. This was the tallest office buildings before Taipei. So that tallest building name is, what is that building name? Petronas Twin Towers. So you will write it down here, P E T, Pet R O N A S, Petronas Pet Twin Towers. So you will write it twin. T W I N, twin towers, T O W E R, towers. Fifth number, this palace is in Lhasa, Tibet. It was the chief residence of Dalai Lama till he was forced to flee to India. ये palace कहाँ है? Tibet में. And it is the chief residence of Dalai Lama. So that place name is Potla Palace. So you will fill it here, P O T A L A, Potla Palace, P A L A C E, Potla Palace. Sixth number, the top of this tower can be reached by mounting the 294 steps. What is that? Leaning Tower of Pisa. So you will write it down here, leaning, L E A N I N G, leaning Tower of Pisa, T W O T O W, sorry, E R, Tower of Pisa, P I S A, Leaning Tower of Pisa. Seventh one, located in Rome, Italy, it once held up to 50,000 spectators who came to watch games involving gladiators, wild animals, and prisoners. What is that place name? Colosseum. So you will fill it here, C O L O S S E U M, Colosseum.
So what you have to do is you will fill this chapter also and you will learn thoroughly. You will fill the chapter number 18, 20, 21 and 33 and you will learn this chapter. That's all for today. Thank you.